हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंपटीशन पॉइंट पर। आज हम एक रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कैलेंडर का। तो हम कैलेंडर की बात करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। कैलेंडर कैलेंडर को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है तुम्हारे पास लीप ईयर, एक होते हैं नॉर्मल ईयर, एक होते हैं लीप ईयर, एक होते नॉर्मल ईयर, एक होते लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में क्या होगा, जो फरवरी होगी तुम्हारी, फरवरी होगी 28 की, और इसमें जो फरवरी होगी वो होगी 29 की फरवरी होगी। दिन की बात करूं 365 दिन होंगे और इसमें 366 दिन होंगे, क्योंकि एक फरवरी का दिन बढ़ जाता है। अब लीप ईयर की बात करूं, लीप ईयर होता क्या है, जो सन डिवाइड हो चार से, डिवाइड हो चार से, वो लीप ईयर कहलाती है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, 1896 चार ऑप्शन दे देगा, 1896, 2024, 1996 और तुम्हारे पास है 1999। भूल लेगा इनमें से कौन सी लीप ईयर नहीं है। तो जो सन चार से डिवाइड हो और चार से डिवाइड हो तो वो कौन सी होती है, लीप ईयर होती है। चार से डिवाइड है छह में लीप ईयर होगी, 24 डिवाइड है चार से, लास्ट लास्ट की टू डिजिट देखे रखते हैं हम, लेकिन ये डिवाइड नहीं है तो ये कौन सी होगी, ये लीप ईयर नहीं होगी। और जो सेंचुरी होती है, सेंचुरी वो क्या होगी, डिवाइड होगी 400 से, डिवाइड होगी 400 से, वो सेंचुरी कहलाती है। जैसे 2000, 2000 क्या है तुम्हारे पास सेंचुरी, और चार से डिवाइड है पूरी पूरी, तो ये क्या होगी, लीप ईयर होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है यहां से, लीप ईयर आता कितने वर्ष बाद आता है, लीप ईयर कितने वर्ष बाद आता है। तो हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, लीप ईयर लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है, कितने वर्ष बाद आता है। तो देखो लीप ईयर जो आता है कितने वर्ष बाद आता है, आंसर जो देगे तुम 3 और 7 वर्ष बाद आता है। क्वेश्चन टिक कर जाते हैं गलत बच्चे, वो क्या कर जाते हैं कि 4 वर्ष बाद लगाए जाते हैं, लेकिन आता है 3 वर्ष बाद। जैसे तुम्हारे पास 1996 ये लीप ईयर है, 4 से डिवाइड है क्योंकि इसकी लास्ट की टू डिजिट, और तुम्हारे पास 97, 98 और 99 ये लीप ईयर नहीं है। अब आएगी तुम्हारे पास 2000, ये लीप ईयर है, ये गया और ये गया, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। कितने वर्ष लग गए, 3 साल लग गए, तो कितने वर्ष बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, लेकिन होगा कितने साल, कितने वर्ष, 4 साल वो होता है लीप ईयर जो होता है। तो देखे, और एक होता है 7 साल बाद, 7 साल बाद कैसा आता है, देखो जैसे तुम, जैसे तुम्हारे 1896 है, ये लीप ईयर है, 97 लीप ईयर नहीं है, 98, 99 और तुम्हारे पास 1900, ये सेंचुरी है। सेंचुरी क्या क्या रूल है इसका, सेंचुरी का 400 से डिवाइड होनी चाहिए जो सेंचुरी होती है। क्या ये 400 से डिवाइड है, नहीं, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं होगी अगर 400 से डिवाइड नहीं है। अब आगे 1901, 1902, 1903, अब आप क्या आएगा 1904, 1904 क्या है, लीप ईयर है। तो कितने साल लग जाएंगे, 97 नहीं है, 98 नहीं, 99 नहीं, तुम्हारे पास 1901 नहीं है, 2 नहीं है और 3 नहीं है, तो कितने साल लग जाएंगे, 7 साल बाद आती है, 7 साल बाद आती है। तो हम यहीं से क्वेश्चन और बनाते हैं, इसमें से लीप ईयर में से क्वेश्चन जो होगा वो तुम्हारे वो होगा, 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 100 की बात करूं तो 4 साल में होती है तुम्हारे पास सेंचुरी, अब वो बात कर रहा है 100 वर्षों की, तो 4 से डिवाइड करेंगे हम, कितना आएगा, 25 आएगा। जब 25 आएगा और ये 100 वर्षों की बात कर रहा है, तो 100 वर्षों में क्या एक, 100 भी क्या एक सेंचुरी है, और सेंचुरी जो होती है वो डिवाइड होती है 400 से। अब ये क्या, कौन से 400 से डिवाइड है, ये पूरी पूरी डिवाइड नहीं है 400 से,
तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसमें से घटा देंगे, एक माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24 होते हैं। ठीक है, आगे आगे चलते हैं, इसमें पूछ लेता और क्वेश्चन, 100 वर्षों में जो होते हैं वो तो 24 होते हैं, 200 में कितने होंगे, 200 वर्षों में जो लीप वर्ष होंगे वो 48 होंगे। ठीक है, और तुम्हारे पास 300 वर्षों में कितने होंगे, 72, 400 वर्षों में कितने होंगे, 24 का 96। लेकिन क्या हुआ, अब यहां बात हमारे पास अटक गई, इसमें क्या है 400 क्या है, सेंचुरी है, और सेंचुरी डिवाइड होती है 400 से, ये पूरा पूरा डिवाइड है 400 से, तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक फालतू होगा लीप वर्ष, कितने होंगे 57 इसमें लीप वर्ष होंगे। ठीक है, तो यहीं से एक और क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास लीप वर्ष के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर, इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, बुझ लेगा वो कि 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी, तो यहां से क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा। इसमें क्या है, हमें पता है कि एक नॉर्मल ईयर में 29 तारीख जो आती है एक साल में 11 बार आती है, क्योंकि 28 की फरवरी होती है, क्योंकि उसमें 29 फरवरी हमारी 29 तारीख पड़ेगी नहीं। इसमें क्या होगा, एक वर्ष में कितनी बार आएगी, 11 बार, वो बात कर रहा है 400 में, तो 400 में कितनी आएगी, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 × 44 बार, 29 फरवरी 29 तारीख आ जाएगी। अब क्या हुआ, जो 400 है उसमें 29 फरवरी तो पड़ी हुई है 400 वर्षों तक, भाई 400 वर्ष चल रहे हैं तो उसमें कितनी फरवरी पड़ी होंगी, 29 तारीख जो पड़ेगी वो कितनी बार पड़ेगी फरवरी में, तो हम बात कर लेते हैं, हमें पता जितनी लीप वर्ष होंगी उतनी 29 तारीख पड़ेगी फरवरी की, तो 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 57 में मैंने भी बताया था, तो 4400 तो ये, और 57 ये, तो कितना आ जाएगा 4497 हमारे पास 29 तारीख आ जाएगी, कितने वर्षों में, 400 वर्षों में। एक और क्वेश्चन बनता है हमारे पास यहीं से, 400 वर्षों में उन्तीस फरवरी कितनी बार आएगी, तो हमें पता है जितनी साल जितनी बार 400 वर्षों में लीप वर्ष होंगी उतनी बार 29 फरवरी आएगी, तो 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होती हैं, 57, तो 57 बार तुम्हारे पास 29 फरवरी आएगी। ठीक है, तो इसमें ये फंडा है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट टाइप जो है इसका, उसमें और डे की, और डेज विषम दिन, इसे बोलते हैं हिंदी में विषम दिन। ठीक है, विषम दिन होता क्या है, जो विषम दिन ये होता है जो दिन डिवाइड हो 7 से, डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है उसे विषम दिन बोलते हैं। जैसे मैं कहूं 10 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे इसे, और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। ऐसे मैं कहूं 20 में, 20 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, 7 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 6 शेष बचेगा। तो ये क्या है, इसमें विषम दिन है। अब हम आगे बात कर लेते हैं और इसके नेक्स्ट टाइप की, इसमें विषम दिन और कैसे पूछता है, तो मैं इसे रफ कर देता हूं, बात कर लेते हैं इसकी और आगे जो क्वेश्चन बनेंगे इसमें। इधर लिखता हूं मैं दिन, दिन के कैसे निकालते हैं, डे के, डेज के विषम दिन कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए 10 दिन में कितने विषम दिन होंगे, इधर लिख देते हैं और डे, और डेज 7 से डिवाइड करा शेष कितना बचा, 3। 20 दिन में कितने होंगे, 7 से डिवाइड करा कितना शेष बचेगा, 6 बचेगा। मैं कहूं 21 में कितने होंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 7×21 कितना बचेगा, 0। तो इसमें कितने होंगे, 0 विषम दिन होंगे। ये तो दिन की, मैं बात कर लेता हूं वर्ष में कितने निकाले, जैसे तुम्हारे पास 365 दिन है, 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो विषम दिन बनेगा हमारे पास वो कितना बनेगा, 1। विषम दिन कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है,
ऐसे 366 दिन जो होते हैं एक लीप वर्ष में होते हैं, हम 7 से डिवाइड करेंगे इसे तो कितना बचेगा विषम दिन, 2 बचता है। और जबकि 52 सप्ताह होते हैं क्योंकि 52 वे जाता है, ठीक है, 52 सप्ताह होते हैं, नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन होता है और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं तो इसमें 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। देखो अब बात कर लेता हूं मैं, क्वेश्चन बनता है यहां से, 50 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे, तो 50 सप्ताह में जो विषम दिन होंगे वो होंगे 0। वो कैसे होंगे, क्योंकि 50 सप्ताह की बात कर रहा है, 50 सप्ताह में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दिन बदलने के लिए, 7 से मल्टीप्लाई करा तो 335 दिन होंगे, 350 दिन होंगे, 7 बन जाए 35, 350 दिन। अगर हमें ही कर देता इसे 7 से डिवाइड तो सप्ताह से तो सप्ताह कट ही जाता, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, तो हमारे क्या बचता, से 0 विषम दिन बचता। मुझे आगे आगे करने की जरूरत ही नहीं थी इसमें, एक क्वेश्चन जितने भी तुम्हारे पास अगर पूछ लेता एन सप्ताह में, मैं लिख देता हूं एन सप्ताह में कितने विषम दिन होते हैं, एन सप्ताह में कितने विषम दिन होते हैं, तो एन किसके, एन क्या है यहां पे, एक संख्या है, कितनी बोल सकता है वो तुम्हारे पास, 50 सप्ताह, 75 सप्ताह, 55 सप्ताह, तो उसमें क्या होंगे सब जो विषम दिन होंगे वो होंगे 0, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। अब आगे भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, वो हम तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं, ठीक है, कब तक के लिए थैंक यू, ठीक है, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बाय।